रांची हिंसा मामले में हुई सुनवाई को लेकर प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार का बयान। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जांच को प्रभावित कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का झुकाव उपद्रवियों और साजिशकर्ताओं के समर्थन में है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जहां हिंसा के शिकार हुए डेली मार्केट थाना प्रभारी को रिम्स में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, आरोपी को एयर एम्बुलेंस का बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा जाता है। मामले में आज सुनवाई हुई, बेहद अहम सुनवाई मानी जा रही है, क्या कुछ है सर मामले? देखिए, रांची हिंसा जो 10 जून को हुआ था 2022 को, उसमें करीब 8 से 10 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और एक मॉब जो है उसमें कई हनुमान मंदिर जो हम लोगों का आस्था का केंद्र है और काली मंदिर, उस पर भी अटैक हुआ था, गोलियां चली थी, उसमें कई लोग मरे हुए थे। माननीय न्यायालय ने 2-3 पॉइंट पे, उनको 10 पॉइंट पे बोला गया था रिप्लाई फाइल करने के लिए, लेकिन उनका जो रिप्लाई है अनसेटिस्फैक्ट्री था। 2 पॉइंट को माननीय न्यायालय ने पॉइंट आउट किया है और उनसे जवाब मांगा है। पहला तो ये है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट था कि नहीं, यदि उनको इंटेलिजेंस इनपुट था तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की। दूसरा ये है कि ऑफिसर इंचार्ज जो डेली मार्केट है, जो इंजर्ड है, और जो सीनियर एसपी मिस्टर झा, इन दोनों को ट्रांसफर क्यों किया गया, इसका जवाब जो है डायरेक्टर जनरल पुलिस और झारखंड और होम सेक्रेटरी को अपने स्वयं एफिडेविट फाइल करके बताना है कि क्या रीजन था उनको ट्रांसफर करने का, ये अफसर इंचार्ज डेली मार्केट को भी और एसएसपी रांची को। हम लोग कह रहे थे कि जो नए एसएसपी साहब आए उनको फूल का गुच्छा देने वालों में वो सारे एक्यूज्ड हैं जो लोग वहां जाके फोटो खिंचवाए। दूसरा चीज ये है कि इसमें जो एक संगठन है जो पहले पीएफआई के नाम से जाना जाता था, आज के दिन में एसडीपीआई है, उसका जो प्रेस रिलीज था उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस और जेएमएम की यहां सरकार है, यहां हम लोगों के अनुकूल सरकार है। यही कारण है कि सीनियर एसपी को ट्रांसफर किया गया और ऑनरेबल गवर्नर साहब के जो रेजिडेंस के सामने एक पोस्टर लगा हुआ था जो एक्यूज लोगों का, उसको 1 घंटा के अंदर ही हटा दिया गया। तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने इस्लामाइजेशन का भी मुद्दा उठाया है इस पोजिशन में, क्योंकि ओवरऑल जो ये पिक्चर है ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, क्योंकि जामताड़ा में स्कूलों का नाम चेंज करना, अन्य घटनाएं जो घट रही है वो सारे उसी से लिंक है, एसडीपीआई और एसडीपीआई से। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है एनआईए से, ये कहते हुए कि आप एनआईए के अधिवक्ता ने बताया कि हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है पूरे इंसिडेंट पे और कुछ फाइंडिंग्स है, उसको माननीय न्यायालय ने सील कवर में मांगा है। दूसरा चीज ये है कि डीजीपी से बोला गया है और होम सेक्रेटरी से कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, और ये मामला बहुत सीरियस है इसलिए इसको अगले सप्ताह पुनः रखा गया। तो ये भी संदेह के केंद्र, देखिए ये पूरा प्रकरण में वही हम लोगों ने सबमिट किया था माननीय न्यायालय के समक्ष कि पहला काम। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।